नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल, आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो। और ये सब मैंने जैसे बताया, मेरी अभी रीसेंट सारी वीडियोस इसी टी शर्ट में दिखेंगी, बिकॉज आज मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं। आज 2 डिग्री टेम्परेचर कम है, तो 43 नहीं होके 41 है, इसलिए मैं आके बैठ गया हूं गाड़ी में और आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपने देख लिया एक्को इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप गाड़ी चलाते हो, आप एक्को इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं, ये वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहली चीज, आप में से कौन कौन एक्को इंश्योरेंस यूज करते हैं, यूज करने का सोच रहे हैं, ये बताओ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, इट्स जस्ट दैट आई फील इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस आप सबके साथ, बताने के लिए कि मेरे एक्को से क्लेम सेटलमेंट में मुझे क्या मुसीबतें फेस हुई, नहीं हुई, कितने अच्छे से हुआ, कितने अच्छे से नहीं हुआ, ये बताना। तो आप सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप कौन सी इंश्योरेंस यूज करते हो, कौन सा आपको बेस्ट लगता है, और एक्को यूज करते हो कि नहीं, ये बता दो। नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन, ओके। सो मैंने लास्ट सितंबर में बहुत सोचने के बाद, मैंने एक्को इंश्योरेंस के संग में गया। ऑब्वियसली उसका प्रीमियम कम है, बहुत लोगों ने मना किया कि भाई इसका सेटलमेंट का क्या होगा, नहीं होगा, दिस दैट। मैंने बोला यार छोड़, हटा, देखा जाएगा, एक्को लेते हैं। पता नहीं क्या सोच रहा था, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट ठीक है, मेरा कुछ नहीं तो 10,000 रुपए का फर्क पड़ रहा था ओवरऑल इंश्योरेंस के प्रीमियम में। सो आई वेंट विद दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गाड़ी संभाल के चलाओगे तो यार इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इज जस्ट अ प्रोटेक्शन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन टू हैव इंश्योरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनीवेज, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो मेरी गाड़ी का जो फ्रंट राइट बंपर एंड फेंडर, मैं जब एक बार गाड़ी पार्क कर रहा था अपने गराज में तो वो घिस गया था, बट मैंने वो कभी रिपेयर नहीं कराया। मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ दाग अच्छे हैं, मैंने बोला था, वीडियो आई लिंक पर है, देख लेना इधर या उधर, किधर एक जगह वो वीडियो देखना। बहुत लोगों ने देखा, प्यार भी दिया उस वीडियो पर, थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। सो मैं सोच रहा था कि क्या करूं, बट रिसेंटली क्या हुआ ना, मेरी गाड़ी में आपने देखा ही है वो सर्विस वाली वीडियो कि इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने फाइनली, और रस्टिंग आ गई थी गाड़ी पर, टाटा की तो पेंट क्वालिटी आपको पता ही है, तो रस्टिंग आ गई थी गाड़ी पर, तो मैंने अपनी गाड़ी दी है। और जब मैंने बोला जब रस्टिंग ठीक हो रही है तो यहां पर लेफ्ट फेंडर ठीक होगा, राइट भी करवा लेते हैं, तो एक्को को मैंने कॉल किया। तो मैंने जब कॉल किया एक्को को, तो चलो इसमें वीडियो के एंड में क्या मैं आपको बता ही देता हूं, उन्होंने पास किया कि नहीं, चलो वो वीडियो के एंड पे बता। तो मैंने कॉल किया एक्को को पूछने के लिए, भैया मैं अपनी गाड़ी क्लेम में देना चाहता हूं। और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, फोन करोगे बहुत अच्छे से कॉल करते हैं, दे डोंट हैव एनी फिजिकल स्टोर्स बट दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव ऑनलाइन, एक्सलेंट, अप्रिशिएटेड। तो उन्होंने बोला सर हमारी जो वर्कशॉप है उस पर आप काम करा लो, तो आपको खाली 2,000 जो डिडक्टेबल जो होता है वही देना पड़ेगा, बात बाकी वो देख लेंगे जो भी होता है क्लेम में। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला बट ये तो ईवी है, क्वेश्चन तो वही है ना, क्या ईवी गाड़ी को आप कर पाओगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरी वारंटी लैप्स हो गई, ये होगी, तो आप कौन गारंटी लेगा। उन्होंने बोला बात सही है, और लेक्सस मोटर्स जहां पे मेरी गाड़ी गई हुई है, जहां पे जाने वाली थी, राइट, वो उनके लिस्ट में था नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी इन दैट केस इफ अ सर्विस सेंटर इज नॉट लिस्टेड विद एक्को, they will pass the claim, it will not be cashless, there will be a deductible of 5,000 plus 2,000, so 7,000 in total, and it won't be cashless, wo coordinate karenge, aapko mujhe paise denge aur mujhe fir service center ko payment karna hai। sunke mera dimag ek second ke liye hila, main bola yaar main phans gaya, because iske pehle kabhi hua nahi, hamesha cashless mein ho jata hai, to ye hua nahi tha, mera dimag sach mein hil gaya tha guys। to मैंने उनको बोला कि भाई आप कर सकते हो तो कर लो अपने सर्विस सेंटर, बट मेरी वारंटी लैप्स नहीं होनी चाहिए। बोला सर देखो वो डिपेंड करता है, अगर फेंडर है तो फेंडर के वजह से क्या वारंटी लैप्स होगी, फेंडर खोलेंगे, फेंडर रिपेयर करेंगे, फेंडर लगाएंगे। मैं बोला जो भी करना है करो, मेरी वारंटी लैप्स नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा, फिर बोला कि ठीक है रुको, सम हाउ दे डिस्कस समथिंग अमंग्स देयर सेल्व्स एंड दे सेड कि चलो कोई बात नहीं, आप अपने वाले ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही दो, हम उनसे बात करके एस्टिमेट समझ लेंगे, आपको 5,000 रुपए डिडक्टेबल नहीं देने, सिर्फ 2,000 जो नॉर्मल जो सबको चार्ज करते हैं खाली वही डिडक्टेबल देने हैं। सो थैंक यू एक्को, एवरीबॉडी हु इज स्केप्टिकल एक्को लेना चाहिए कि नहीं, ये एक्सपीरियंस आपके लिए जरूरी है। बहुत अच्छे से उन्होंने खुद फॉलो अप करते हैं, आपको फॉलो अप नहीं करना। नेट आई एम हैप्पी विथ एक्को, सो मच सो कि मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास लेके जा रहा हूं, सो मच सो कि आई एम टेकिंग माई हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो टू देम।
दे स्पोक टू द सर्विस सेंटर, उन्होंने एस्टिमेट दिया, उन्होंने बोला कि नहीं भैया हम दो साइड का नहीं देंगे, एक साइड का ही देंगे, फेयर इनफ। जो भी आया उन्होंने मेरे को बकायदा भेजा कि भैया 11,000 का बिल है, आपके स्क्रीन के सामने मैं दे रहा हूं, 11,000 का बिल है, बाकी सब वो मेरे को मेरे अकाउंट में पैसे डालेंगे और 2,000 रुपए मेरे को पेमेंट करने हैं। विद इन 5 मिनट्स मैंने एक्सेप्ट किया पैसे मेरे अकाउंट में, 5 मिनट ज्यादा बोल दिया बट विद इन हाफ एन आवर पूरा का पूरा केस वहीं पर ही खत्म, मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए एको ने। अब मैं सिर्फ टाटा वालों से गाड़ी लूंगा, उनको पूरा पेमेंट करूंगा और आ जाऊंगा। एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग विद एको। ऑब्वियसली इनिशियली थोड़ी स्केप्टिसिज्म थी, तो मैं समझने नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे होगा नहीं होगा, क्लेम देंगे नहीं देंगे, वेदर वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। द ओनली थिंग इज कि वहां पे कैशलेस नहीं होगा बट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप दे दो पेमेंट, बात तो एक ही है, हैसल फ्री है ना। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाने की सोचा मैंने कि यार मैं आपको यूज कर रहा हूं तो आपको यूज करना कि नहीं, मैं तो अच्छा हूं, बहुत खुश हूं, मैं तो यूज करूंगा आपको, रिन्यू भी उनसे करूंगा, सो मच सो अपनी हेल्थ पॉलिसी भी वही लेके जा रहा हूं, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। आपका डिसीजन आप खुद ले सकते हो, ये वीडियो रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो, वही मकसद था आप तक पहुंचाने का। सो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दो, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।